हाय गाइस, मैं हूँ मेघा एंड वेलकम टू माय चैनल पोकी मेक जिंदी, जहाँ हम बात करते हैं ऑल अबाउट फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल एंड मॉमी टॉक्स। सो गाइस, फेस्टिव सीजन आने वाला है, राखी इज राउंड द कॉर्नर एंड आप मुझे बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मेघा मीशो हॉल लेके आओ। मैंने काफ़ी टाइम पहले मीशो हॉल्स किए थे बट आजकल मैं नहीं कर रही हूँ, बट मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ढूंढे हैं 5 ब्यूटीफुल सूट्स एंड कुर्तीज फॉर द फेस्टिव सीजन स्पेशली राखी के लिए, एंड दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो एट ऑल। सो राखी में जो सीजन है वो ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हम ओवर द टॉप कपड़े भी नहीं पहनना चाहते, बट ऐसा भी होता है कि हाँ, अच्छे भी लगने चाहिए, यू नो, एंड फैब्रिक भी कंफर्टेबल होना चाहिए। सो दिस इज माई क्राइटेरिया फॉर द राखी आउटफिट्स। लेट्स सी, ये जो मैंने मंगाए हैं ये उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं कि नहीं। इससे पहले कि मैं वीडियो की तरफ बढ़ूँ गाइस, मुझे इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करना, बिकॉज वहाँ पर मैं राखी सीरीज स्टार्ट कर दी है मैंने और बहुत ही ब्यूटीफुल राखी लुक्स लेके आ रही हूँ मैं रील्स के थ्रू वहाँ। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी देयर, अदरवाइज आप बहुत सारा फन मिस कर देंगे। सो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है फॉरकी मेक्स, डू फॉलो मी देयर। और चलिए गाइस, अब लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले है दिस ब्यूटीफुल बेबी पिंक कलर की जो है कुर्ती है, एंड इसका फैब्रिक भी काफी सॉफ्ट है। आई लव दिस, इज बेसिकली पीच पिंक नहीं है, पीच है, पीचिश पिंक काइंड ऑफ अ कलर। और इसमें आप ब्यूटीफुल फॉइल मिरर एंड एम्ब्रॉयडरी है नेक पे, एंड नीचे से इस तरह टीयर्ड है ये ए लाइन, एंड साइड में इसमें इस तरह की टैसल्स भी हैं। आई थिंक इट इज़ अ ब्यूटीफुल कुर्ती, आप इसको ऐसे ही भी पहन सकते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी है, या फिर आप इसको वाइट पैंट के साथ भी पहन सकते हैं। फैब्रिक मुझे इसका अच्छा लगा, और मुझे सबसे अच्छा लगा इसका प्राइस पॉइंट गाइज। ये कुर्ती जो आई है दैट इज़ फॉर 474 रुपीज़। तो आई एब्सोल्युटली लव्ड इट, मैं इन सबके कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो अभी आप वीडियो एंजॉय करें। सो आई रियली लाइक दिस कुर्ती एंड आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट कुर्ती अगर आप एक सिंपल बट ब्यूटीफुल लुक चाहते हैं राखी पे या फिर फेस्टिव सीजन पे, हल्की पूजा वगैरह पे भी ये काफ़ी अच्छा लगेगा। सो आई रियली लाइक दट, प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसकी क्वालिटी एंड एवरीथिंग लुक्स रियली नाइस। इससे पहले कि आप पूछें मेगा आपने जो कुर्ती पहनी है ये कहाँ से ली है, सो आई नो आप लोग हमेशा पूछते हैं, सो दिस इज़ फ्रॉम बुनाई, ये मैंने रिसेंटली मंगाई है एंड आई हैव ऑलरेडी शॉट अ रील विद दिस, सो आप इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो कुर्ता है दैट इज अ लहरिया कुर्ता, बिकॉज आई लव फेस्टिव सीजन में लहरिया एंड बंदेज एंड ऑल दैट। सो दिस इज अ कुर्ती पिंक एंड ऑरेंज के कॉम्बिनेशन में, इसमें गोल्डन लेस लगी हुई है, डिटेलिंग है, और ये नेहरू कॉलर टाइप का कुर्ती है, बट आप कॉलर्स को अंदर करके इसको वी नेक भी बना सकते हैं, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और इसमें जो है स्टोन की जो है बटन्स लगी हुई है। आई थिंक दिस द लुक ऑफ दिस कुर्ती इज़ रियली नाइस, आप उसको गोल्ड पैंट्स या गोल्ड प्लाजोज के साथ पहन सकते हैं, बहुत अच्छी लगेगी। एंड इसका जो फैब्रिक है गाइज, ओ इसमें अस्तर भी है गाइज, दैट इज़ रियली नाइस, क्योंकि आई थिंक इसका फैब्रिक कोटा डोरिया इसीलिए अस्तर भी दिया हुआ है, बट इसका प्राइस पॉइंट बहुत अच्छा है। सो ये जो कुर्ती थी दैट इज़ फॉर 307 रुपीज़, एंड आई थिंक 307 में बहुत ब्यूटीफुल कुर्ती है। मीशो यू नो कई बार हिट या मिस होता है, कई जैसे शीन नहीं था वैसा ही मुझे लगता है मीशो है, कई बार बहुत ही बेकार आइटम्स आते हैं बट कई बार बहुत अच्छे आइटम्स आते हैं। सो मुझे ये कुर्ती काफ़ी प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी लगी। ये जो इसका गोल्ड इसमें ना गोल्ड फॉइल प्रिंट है, तो वो हो सकता है धोने पे उतर जाए, आई एम नॉट श्योर, बिकॉज देख के ऐसा लग रहा है कि शायद उतर जाएगा बिकॉज वो पेंट टाइप का लग रहा है, बट अदरवाइज कपड़ा इसका मुझे डिसेंट लग रहा है कोटा डोरिया का, एंड इसमें अस्तर भी दिया हुआ है। सो प्राइस पॉइंट के हिसाब से आई थिंक दिस इज़ अ गुड कुर्ती फॉर द फेस्टिव सीजन, और कलर तो बहुत अच्छा है बिकॉज ये कलर अपने इंडियन स्किन टोन्स पे बहुत अच्छा लगता है। सो दिस इज़ अ सेकेंड कुर्ती। थर्ड गाइस जो कुर्ती है दैट इज़ अ कुर्ती एंड दुपट्टे का कॉम्बिनेशन है, सो दिस इज़ बिल्कुल डीप ग्रीन कलर की कुर्ती है, और इसमें यहाँ पे पिंक कलर की एम्ब्रॉयडरी एंड फॉइल जो है मिरर्स लगे हुए हैं, ओवरऑल में भी इसमें पिंक में एम्ब्रॉयडरी है ऊपर, और नीचे इसमें पर्ल की जो है यू नो बटन्स लगे हुए हैं, पीछे भी पूरे में पर्ल दिया हुआ है, एंड ये 3-4 स्लीव्स की ए लाइन लॉन्ग कुर्ती है, एंड इसके साथ ये दुपट्टा भी आया है, बंदेज का ये दुपट्टा है, और दुपट्टा ना ऐसा नहीं है कि वो चीप कम यू नो विथ वाला है, विथ भी इसकी काफ़ी अच्छी है, इतनी विथ है, एंड प्रिंट भी अच्छा है, साइड में ये जो है लेस लगी हुई है गोल्ड कलर में, सो दिस इज़ ऑल्सो अ रियली नाइस कॉम्बिनेशन, मुझे अच्छा लगा ये, एंड आई थिंक ये फेस्टिव सीजन पे काफ़ी अच्छा लगेगा ये कॉम्बिनेशन, बिकॉज ग्रीन एंड पिंक ऑल्सो लुक्स रियली नाइस इन द फेस्टिव सीजन। सो अच्छी सी ज्वेलरी के साथ इसको पेयर कीजिए, अच्छी हेयर स्टाइल वेयर स्टाइल, सो दिस विल लुक रियली नाइस, एंड इसका भी प्राइस काफ़ी अच्छा था। सो दिस वॉज फॉर 714 रुपीज गाइस, 714 में आपको दुपट्टा प्लस कुर्ती मिल रही है, सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो रियली डिसेंट। और इसका जो कपड़ा है ना जॉर्जेट लिखा था, बट आई एम नॉट श्योर इज जॉर्जेट, वो सिंथेटिक टाइप का लग रहा है मुझे कपड़ा, एंड इसके अंदर डबल कपड़ा है, मतलब अस्तर भी लगा हुआ है, एंड इसका भी वैसा ही लग रहा है, बट ओवरऑल कपड़ा
गाइस डिसेंट प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये अच्छा सूट है। नेक्स्ट गाइस इज दिस लहरिया काफ्तान। सो ये पिंक में एक लहरिया काफ्तान था, मुझे लग रहा था कि जैसा दिख रहा है वैसा कैसा होगा, बट आई थिंक इट्स नाइस। इसमें गोटापति का नेक है एंड लेस की इसमें डिटेलिंग है ऑन द साइड। मुझे एक चीज जो अच्छी नहीं लगी, दैट इज ये वाइट जो है ड्रॉ स्ट्रिंग है, तो वाइट की जगह अगर आई थिंक कुछ और या पिंक देते तो शायद ज्यादा अच्छा लगता, बट ओवरऑल दिस इज डिसेंट। अगेन अगर आपको बहुत ही लाइट आउटफिट पहनना है राखी पे तो उसके लिए भी अच्छा है, एंड वैसे भी आप कहीं जाएं उसके लिए भी अच्छा है। सो ओवरऑल आई लाइक इट, एंड क्वालिटी इसकी जो कपड़ा है मुझे कॉटन लग रहा है। सो दिस इज द काफ्तान। ओवरऑल आई थिंक प्राइस पॉइंट के हिसाब से डिसेंट है, बिकॉज आई थिंक ये काफ़ी सस्ता था। सो दिस वॉज फॉर 346 रुपीज़, तो 346 इज क्वाइट अफोर्डेबल, एंड उसके हिसाब से मुझे ये अच्छा लगा। इसको आप वाइट पैंट्स या वाइट लेगिंग्स के साथ पहन सकते हैं, दिस विल लुक रियली नाइस। एंड गाइज मैंने लास्ट जो सूट है वो सेव किया बेस्ट वाला फॉर दिस वीडियो, बिकॉज आई लव्ड इट। तो ये जो सूट है मैंने जब देखा था मुझे लगा था क्या ऐसा होगा, कई बार होता ना पिक्चर बहुत अच्छी होती है और प्रोडक्ट अच्छा नहीं था, तो मुझे लगा था कि अच्छा होगा, बट इट केम आउट रियली वेल सरप्राइजिंगली। सो दिस इज द कुर्ती। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है दैट इज बेज जो है, इसका ऑफ वाइट बेस है और उसमें कलरफुल एम्ब्रॉयडरी एंड सीक्वेंस लगा हुआ है। सो दिस आई लव बिकॉज मुझे बेज में कलरफुल जो है एम्ब्रॉयडरी एंड एवरीथिंग बहुत अच्छा लगता है। सो दिस इज पिंक येलो का, इसमें ब्यूटीफुल नेक में कॉम्बिनेशन है, इसमें पूरे में सीक्वेंस लगा हुआ है, साइड में इसमें यू नो पॉम पॉम दिया हुआ है पिंक में, विच इज लुकिंग रियली नाइस। इसमें अस्तर भी दिया हुआ है इस कुर्ते में, एंड ओवरऑल द फील ऑफ द सूट इज रियली वेल। इसमें आया है शरारा नीचे से एंड दुपट्टा, लेट मी शो यू। सो गाइस दिस इज द शरारा, ये शरारा है, इसमें नीचे उसी टाइप का पूरा जो है बॉर्डर दिया हुआ है कलरफुल विद पॉम पॉम। आई लव द पॉम पॉम डिटेलिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल है, प्लस इसका दुपट्टा इज ऑल्सो रियली ब्यूटीफुल। सो दिस इज द दुपट्टा, दुपट्टे में भी वही सेम कलरफुल एम्ब्रॉयडरी एंड एवरीथिंग है, एंड इट इज रियली रियली ब्यूटीफुल। सो दिस इज हाउ द दुपट्टा लुक्स। सो आई लव दिस सूट, मुझे इसका ओवरऑल लुक बहुत अच्छा लगा। दिस इज एक्सपेंसिव आउट ऑफ एवरीथिंग। सो बाकी जो सारे सूट थे देवर अंडर 800 रुपीज़, 750-800 के अंडर थे, बट दिस इज फॉर 1974 रुपीज़। एंड मैं सोच रही थी ऑर्डर करूँ कि नहीं करूँ, बिकॉज इतने एक्सपेंसिव सूट्स मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं आजियो मिंत्रा से लूँ, बट मैंने सोचा लेट्स ट्राई इट, बट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड आई थिंक इट इज अगर थोड़ा सा प्राइस कम होता तो आई थिंक आई वुड हैव फेल्ट बेटर कि काफ़ी अच्छी डील मिल गई, क्योंकि 1900 फिर भी थोड़ा सा स्टीप प्राइस है, 1974 मतलब ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़, बट स्टिल आई लव द सूट। आई थिंक ओवरऑल इसकी फील बहुत अच्छी है, एंड 2000 भी आई एम नॉट श्योर वॉट आई फील अबाउट इट, बिकॉज ये वर्थ भी है, बिकॉज लुक इसका काफ़ी अच्छा है, बट क्योंकि मीशो से लिया है तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा और सस्ता मिल जाता तो अच्छा होता, यू नो व्हाट आई एम सेइंग राइट। सो लेट मी नो इन द कमेंट आपको कैसा लगा, इन प्राइस पॉइंट आपको कैसा लगा, बाकी सबके तो प्राइस पॉइंट बहुत अच्छे हैं, इसका आप मुझे बताना कि आपको लग रहा है कि प्राइस के हिसाब से इसका लुक है, प्राइस यू नो पूरा जचता है, जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट फेस्टिव सूट्स एंड कुर्तीज फ्रॉम मीशो। लेट मी नो अब आप और क्या देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे, एंड इन सब में से सबसे अच्छा आपको सूट कुर्ती क्या अच्छा लगा, कौन सा पैसा वसूल लगा, कौन सा काफी अच्छा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स। एंड वंस अगेन इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारा कॉन्टेंट डाल रही हूँ एज रील, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैशन कॉन्सेप्ट है, तो आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं। ऑल्सो राखी सीरीज चल रही है वहां, जहां मैं बैक टू बैक राखी आउटफिट्स डाल रही हूँ, तो डू फॉलो मी देयर। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है परकी मेक्स, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो क्या कहना है, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू परकी मेक्स हिंदी ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन गाइस, बिकॉज आप में से बहुत लोग कह रहे हैं कि आपको नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे हैं, तो मेरे आइकन के पास जो बेल बटन है एक बार उसको फिर से दबा दो एंड ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दो, तो आपको वो सारी नोटिफिकेशंस आ जाएंगी मेरे वीडियोस की। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो, मिलती हूँ आपको अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। फील ब्यूटीफुल, बी स्टाइलिश, बाय बाय। Oh,